उसके पास सेवन जो है यार इसको छोड़ दो, क्योंकि सेवन एक बहुत बड़ा सवाल है, इसमें आपके पास फोर्थ डिग्री की इक्वेशन बन रही होगी, काफ़ी मसला होगा, तो सेवन को आप छोड़ दो, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अशोक को तो गाइड में ये हुई भी होती हैं, तो जाके देख लेना आप लोग, लेकिन प्रोसेस वही है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, फोर्थ डिग्री की इक्वेशन है, आप उसके फैक्टर निकाल रहे होते हो, या तो कैलकुलेटर से फैक्टर निकाल लो अगर अच्छा वाला कैलकुलेटर है, वरना सिंथेटिक डिवीजन करनी पड़ेगी, तो वो लंबे चक्कर है, उसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर एट में आपके पास जो गिवन है सीरीज, उसमें जनरल टर्म ये है, ठीक है, इस जनरल टर्म से आप निकालो के प्लस वन टर्म, के प्लस वन टर्म क्या आएगी, एन की जगह के प्लस वन पुट कर दो, तो ये हो जाएगा के प्लस वन और के प्लस थ्री, तो ये टर्म आ गई जो आपने इक्वेशन वन में दोनों तरफ ऐड करवानी है। सवाल ये कि इक्वेशन नंबर वन की राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वेशन वन की राइट हैंड साइड होगी वन अपॉन सिक्स के के प्लस वन टू के प्लस सेवन, ये इक्वेशन वन की राइट हैंड साइड होगी, इसमें आप ये चीज़ ऐड कर दो के प्लस वन के प्लस थ्री, इसको तो सॉल्व करते हैं। पहली बात प्रूफ क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर एट में आपको ये प्रूफ करना होगा वन अपॉन सिक्स के प्लस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस वन और फिर टू के प्लस वन प्लस सेवन, मतलब जो राइट हैंड साइड पे एन लिखा हुआ है ना उसकी जगह के प्लस वन में पुट करो, ये आपको प्रूफ करना होता है, मतलब इस पूरी चीज़ को आपने इसके बराबर प्रूफ करना है किसी तरह। तो मेहनत करते हैं, सबसे पहले कॉमन ले लो, कुछ आ रहा है कॉमन, के प्लस वन कॉमन आ रहा है तो के प्लस वन कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा वन अपॉन सिक्स के टू के प्लस सेवन, ये बच गया पहली टर्म में, दूसरी टर्म में बचा के प्लस थ्री। अभी मैंने बताया था किस तरह सिंप्लीफाई करना है इसको, इस सिक्स पहले जो दो टर्म है इनको तो एज इज, दो टर्म नहीं खैर एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो दो बन जाएंगी, सिक्स को मल्टीप्लाई करवाओ इससे, और नीचे एलसीएम आपके पास क्या है सिक्स ही है। अब देखो यहाँ पे सिक्स है ना बाहर, तो इसको बाहर लिख दो आप, तो देखो शुरू की दो टर्म तो एग्जैक्ट मैच कर रही हैं, अब इनको आपने किसी तरह सिंप्लीफाई करना है, उसको इन्हीं को डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा टू के स्क्वायर प्लस सेवन के, ये हो जाएगा सिक्स के प्लस एटीन, टू के स्क्वायर प्लस थर्टीन के प्लस एटीन। अब आपको फैक्टर बनाना है किसी तरह, तो 18 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा, 36 के क्या फैक्टर बनेंगे 12 थ्री ज़ा नहीं, और 36 क्या बन सकते हैं 9 फोर ज़ा, तो 9 फोर ज़ा लग जाएगा 9 के प्लस 4 के प्लस 18। शुरू के दो टर्म में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, चलो उस तरह भी कर दो, एक ही बात है, शुरू के दो टर्म में आप k कॉमन ले लो तो 2k प्लस 9 आ जाएगा, और बाकी की दो टर्म में आप 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2k प्लस 9। तो देखो ऑलरेडी एक था 1 अपॉन 6 के प्लस 1 ऑलरेडी मौजूद था, एक फैक्टर आएगा 2k प्लस 9 और एक आएगा k प्लस 2। अब बस आपने अरेंज करके उस फॉर्म में किसी तरह कन्वर्ट करके दिखाना है, तो सबसे पहली बात ये तो एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, अभी जो k प्लस 2 है ये लिखो आप, मतलब k प्लस 1 लिखने के बाद इस k प्लस 2 को आप इस तरह लिख दो k प्लस 1 प्लस 1, तो देखो ये वाली चीज़ मैच कर गई है एग्जैक्ट, ठीक है। अब इस वाली चीज़ को आपने इसके बराबर लिखना है, तो देखो 2k प्लस 9 यही होता है पूरा, मतलब आपने कैलकुलेशन सही की है, 2k प्लस 9 को आप इसी तरह लिखते हो, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, दिखा दो एग्जामिनर को कि यार एग्जैक्ट ये वाली चीज़ पूरी मैच कर रही है, इसका मतलब ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 भी ईजी है यार, क्वेश्चन नंबर 9 में असल में कॉमन काफ़ी आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप कॉमन निकालोगे, हाँ काफ़ी कॉमन बन रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कर लेना एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे, जो अच्छा 10, 11, 12 मैं 12 तक करवाऊंगा, उसके बाद जो क्वेश्चन है ना उनको आप लोग छोड़ देना, क्योंकि उनमें कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि मुश्किल सवाल हैं, क्योंकि जनरलाइज वैल्यूज़ हैं ए बी सी डी करके उनकी, तो करना होगा ट्राई तो क्वेश्चन नंबर 14 को कर लेना अगर शौक हो, लेकिन बड़े बड़े सवाल हैं, एक तो पेपर पैटर्न में फिट ही नहीं बैठते, ये आते ही नहीं है, शुरू के क्वेश्चन आ रहे होते हैं जो पेपर पैटर्न में 4-5 नंबर के अंदर फिट बैठ रहे होते हैं, दूसरा वो सवाल भी अच्छे होते हैं, थोड़े वैल्यूज़ वाले होते हैं, जनरलाइज हैं, मैथड यही रहेगा, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं, अगर आप इनको छोड़ोगे तो कोई चीज़ मिस हो जाएगी आपकी, कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट वही है, लेकिन एग्जाम में ऊपर वाले आते हैं तो बेहतर आप ऊपर वाले सॉल्व करो। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वहाँ तक हम कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आप लोग ट्राई ना करो, फालतू सी चीज़ें हैं। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 10 में जो जनरल टर्म है ना वो है 1 अपॉन एन एन प्लस 1, तो इसके अंदर k प्लस 1 सॉरी हाँ k प्लस 1 ऐड करो इसके अंदर, ये हो जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 2, तो ये वो टर्म है जो आप दोनों तरफ ऐड करवाओगे इक्वेशन 1 के,
इक्वेशन वन की राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या बनेगी, के अपॉन के प्लस वन, ये राइट हैंड साइड होगी, उसमें ये आप ऐड करवा देना, ठीक है। अब सवाल लेके प्रूव आपको किसके बराबर करना होगा, इसके अंदर प्रूव आपको करना होगा इसके बराबर, के प्लस वन, के प्लस वन प्लस वन, ये चीज़ आपको प्रूव करनी होगी। तो ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बराबर प्रूफ करते हैं। तो देखने में आपको लग रहा है के वन अपॉन के प्लस वन कॉमन है, तो पहली टर्म से कॉमन लोगे जस्ट के बचेगा, दूसरी टर्म से कॉमन लोगे तो वन अपॉन के प्लस टू बच जाएगा, क्योंकि वन अपॉन के प्लस वन आपने कॉमन ले लिया ना, इस वाली टर्म से भी, इस वाली टर्म से भी, तो ये बचा। अच्छा जी, सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, के प्लस को इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन। यह काम करते हैं, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, एक सेकेंड अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, ये हो जाएगा के प्लस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय के प्लस टू, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा जी, तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई हमें, क्योंकि वो फिर कैंसिल नहीं होगा, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन। अभी जो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है ना, इसको आपने सिंपली, इक्वेशन तो नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करो, मिडिल टर्म ब्रेक करो इसकी, हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस के प्लस वन, यहाँ पे कॉमन लो के कॉमन आएगा के प्लस वन, इन दोनों में वन कॉमन लो तो के प्लस वन। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो के प्लस वन का होल स्क्वायर आ रहा होगा, जब इसको सिंप्लीफाई करो ना तो के प्लस वन का होल स्क्वायर, तो नीचे के प्लस वन से ऊपर एक के प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा के प्लस वन, नीचे बचेगा के प्लस टू। जो नीचे वाला के प्लस टू है उसको बस इस तरह लिख देना के प्लस वन प्लस वन, एग्जैक्ट वो चीज़ मैच कर जाएगी, तो प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 शायद मसला करे, उसको ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जनरल टर्म कैसे निकालोगे, जनरल टर्म मतलब के प्लस वन टर्म, ये होगी के प्लस वन टर्म, जो कि आपने इक्वेशन नंबर वन में दोनों तरफ ऐड करना होगा। सवाल ये इक्वेशन नंबर वन की राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वेशन नंबर वन की राइट हैंड साइड होगी के माइनस वन टू की पावर के प्लस वन प्लस टू, ये राइट हैंड साइड है, इसके अंदर आप इस चीज़ को ऐड करवा देना, ठीक है। अब सवाल लेकिन इनको प्रूफ किसके बराबर करना होगा, प्रूफ आपको करना होगा बच्चों इसके बराबर, राइट हैंड साइड पे के प्लस वन पुट कर दो, ठीक है, ये पूरी चीज़ है जो आपने प्रूफ करनी है, ये के प्लस वन है ना, तो इसके बराबर आपने प्रूफ करना होगा। तो अब ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं इन दोनों को, सबसे पहले तो मैसअप हुआ हुआ हर चीज़, इसमें कॉमन थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसको, ये जो 2k प्लस वन मल्टीप्लाई के माइनस वन, ये वाली टर्म और 2k प्लस वन मल्टीप्लाई के प्लस वन, इसको एक साथ लिखते हैं, इस प्लस टू को आप बाहर लिख दो, इन दोनों टर्म में आप 2 की पावर k प्लस वन एक कॉमन ले लेना, तो आपके पास क्या बचेगा k माइनस वन, और यहाँ से एडिशन में बचेगा, दरमियान में ऐड है ना, तो के प्लस वन बचेगा, सॉरी के प्लस वन। तो ये आपने सिर्फ शुरू की दो से लिए, उस प्लस टू को बेचारे को अपने जगह पे रहने देना, ठीक है, कॉमन उसको ले सकते हैं नहीं, उसमें टू के प्लस वन नहीं आ रहा ना, तो कॉमन लेना नहीं ले सकते उसमें, तो सॉल्व करो, ये माइनस वन इस प्लस वन से ऐड हो रहे हैं ना सारे, तो माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, बाहर है टू के प्लस वन, ब्रैकेट ये है के प्लस के मतलब टू के, और प्लस टू अपनी जगह पे। अब ज़रा देखते हैं कि उससे मैच कर रहा है नहीं, देखो ये प्लस टू तो आपको चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे मौजूद है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप हाँ, ये जो टू है ना, ये इससे मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है ना सारी चीज़ें, टू की पावर के प्लस वन मल्टीप्लाई हो रहा है टू के से, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे टू की पावर क्या है, यहाँ पे टू की पावर वन है, और यहाँ पे टू की पावर क्या है के प्लस वन, जब बेसिस सेम होती हैं तो आपको पता है पावर ऐड होती हैं, तो ये हो जाएगा टू के प्लस वन अपनी जगह पे मौजूद है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर वन है, और ये बेचारा के जो मल्टीप्लाई में वो अपनी जगह पे लिखा हुआ है, क्या किया मैंने, इस 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करवाया 2 की पावर के प्लस 1 से, तो बेसिस सेम थी, पावर इन दोनों की ऐड होंगी आपस में, और ये जो k अपनी जगह पे और ये प्लस 2 अपनी जगह पे, ठीक है। इस k को मैं काम करता हूँ स्टार्ट में लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे k लिखता हूँ, बात तो ये मल्टीप्लाई और है, अब कुछ कुछ वो आ रही है, बस एक फ़र्क है, इस k को आप किस तरह लिख सकते हो, इस k को लिख सकते हो के प्लस 1 माइनस 1, एक ही बात है, 1 से माइनस 1 कैंसिल होगा, दोबारा k आएगा, और इस वाली चीज़ को तो एज इट इज ऐसी लिखो, ब्रैकेट लगा देते हैं उससे मैच करने के लिए, ठीक है, और प्लस टू अपनी जगह पे। अब आप ऑब्जर्व करो, एग्जैक्ट वही चीज़ आ रही है, ठीक है, तो इसमें भी आपका सवाल प्रूव हो जाएगा, तो इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सोचना वोचना पड़ता है। आखिरी सवाल कर लेते हैं, फैक्टोरियल वाला है, तो शायद मसला कर ले आप लोगों को।
अच्छा जी, तो सवाल क्या है बच्चों? सवाल लिखा हुआ है, सबसे पहली बात जनरल टर्म ये है ना, तो सबसे पहले आपको k प्लस वन टर्म चाहिए होती है जो दोनों तरफ आपने ऐड करनी है। तो k प्लस वन कैसे आएगी? इनकी जगह k प्लस वन पुट कर दो, ये चीज़। तो इस वाली चीज़ को आपने दोनों तरफ ऐड करना होगा इक्वेशन नंबर वन के। तो इक्वेशन नंबर वन की राइट हैंड साइड क्या होगी? k प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन, ये राइट हैंड साइड होगी इक्वेशन नंबर वन की। इसके अंदर आप ऐड करवा देना जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है, k प्लस वन मल्टीप्लाई k प्लस वन फैक्टोरियल, ये ऊपर आपने ऐड करवा दिया। और सवाल लिखे किसके बराबर प्रूफ करना होगा इसमें? आपको इसके बराबर प्रूफ करना होगा फैक्टोरियल माइनस वन, इसके बराबर आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब ज़रा देख लेना। देखने में आपको लग रहा है k प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन है, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म से, माइनस वन को तो साइड पे कर देंगे, पहली वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में k प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन है। तो जब आप कॉमन लोगे इसमें से जस्ट वन बच जाएगा, और जब ये चीज़ कॉमन ले ली तो यहाँ पे k प्लस वन बच जाएगा, और जो माइनस वन है इसको साइड पे कर दो, इसका तो कोई काम नहीं है। ठीक है, तो आप देखो चीज़ें थोड़ी मैच हो रही हैं ना, नहीं हो रही। हाँ, एक और काम करते हैं, ये है k प्लस वन फैक्टोरियल और ये है k प्लस टू। सवाल ये कि k प्लस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई k प्लस टू, ये क्या होगा? मैं बताता हूँ क्या होगा। अगर मैं आपके सामने लिखूँ 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6, तो ये क्या होगा भाई? ये 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 फैक्टोरियल होता है 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरा 5 फैक्टोरियल है ना। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये क्या बन जाएगा? अब ये 6 फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल में और 5 फैक्टोरियल में, 6 फैक्टोरियल में एडिशन क्या है एज़ कम्पेयर टू 5 फैक्टोरियल? 6, 5 फैक्टोरियल में 5 तक आता है, 6 फैक्टोरियल में 6 तक आता है। तो अगर आप 5 फैक्टोरियल को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी? 6 फैक्टोरियल। जस्ट लाइक रिवर्स में मैंने किया है, पहले हम क्या करते थे, मैं बोलता था जब भी किसी फैक्टोरियल को ओपन करना है तो आप कैसे लिखते थे? 4 मल्टीप्लाई 3, अगर आप 3 पे रुकना चाह रहे हो तो 3 पे रुक जाओ। ठीक है, तो एग्जैक्ट वही काम किया हुआ है, 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, तो ये किसके बराबर है? 6 फैक्टोरियल के बराबर ही है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व, जैसे यहाँ पे एक छोटा फैक्टोरियल था और उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे एक बड़े नंबर से, तो वही काम है k प्लस वन और k प्लस टू। k प्लस वन छोटा है, तो इस वाले फैक्टोरियल को जब आप मल्टीप्लाई करोगे k प्लस टू से, तो ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी? k प्लस टू फैक्टोरियल। बिल्कुल उसी तरह इसको कंसीडर करना, तो आपको बात समझ आ जाएगी। ये करने के बाद एग्जैक्ट वो चीज़ मैच कर रही है, इसको इस तरह लिख देना k प्लस वन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन, तो एग्जैक्ट मैच कर गई, सवाल आपका प्रूफ। उसके बाद बच्चों ये जो 8.1 का 16 है ना, ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें आप डिविजिबिलिटी चेक कर रहे होते हो कि एक आपको एक्सप्रेशन दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि बताओ क्या ये डिविजिबल है एक सर्टेन नंबर से या नहीं। तो अगेन स्टेटमेंट है, प्रोपोजिशन है ये भाई, या तो डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो इसको भी आप मैथमेटिकल इंडक्शन की टेक्निक से प्रूफ करते हो। मैं एक सवाल इसका करवाता हूँ, जैसे आपने पूरे पैटर्न के साथ जिस तरह करना है जैसे मैंने पहले सवालों में करवाया था, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं करवाऊँ सब ताकि किसी में इशू ना आपको। तो बाकी पार्ट जो है उसमें जो मेन चीज मसला करती है वो मैं करवाऊंगा, पहला जो मैं पार्ट है बिल्कुल उस तरह करवा रहा हूँ जैसे एग्जाम में आएगा, तो एग्जैक्ट इसी तरह आपने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट वन ट्राई करते हैं, एग्जाम में आएगा, आ भी चुका है ये पार्ट नंबर वन। लिखा हुआ क्या है? 2 की पावर 3n+2 -28n -4 इज डिविजिबल बाई 49। ये स्टेटमेंट दिया मैंने जो आपको चेक करनी है, और आगे मेंशन किया हुआ है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब वही पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर में आपने चेक करना है कि क्या ये प्रोपोजिशन, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। तो देखो मेथड वही रहेगा, दो केसेस आप डिस्कस करते हो, एक बेस केस होता है एक इंडक्टिव केस होता है। तो आप यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे और यहां पे n इक्वल टू 1 जो है ना उस पे आप सेटिस्फाई करवाओगे। तो सबसे पहले आप लिखो वेरीफाई द प्रोपोजिशन फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 पे आप चेक करोगे क्या ये प्रोपोजिशन ठीक है या नहीं है। तो आप पुट करके देखो, आप यहां पे n की जगह पे 1 पुट करो, ठीक है, -28 n की जगह 1 पुट करो -4, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये हो जाएगा 3 + 2 5, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, ये हो जाएगा -28, ये हो जाएगा -4। 2 की पावर 5 होता है 32 और ये -28 -4, ये भी -32, तो आंसर 0 आ जाएगा। सिंस 0 इज डिविजिबल बाय 49, भाई स्टेटमेंट ये थी
कि ये जो पूरी चीज है एक्सप्रेशन ये डिविजिबल है 49 के सब n के वैल्यूज पे। तो सबसे पहले आपने बेस स्टेप कंसीडर किया, आपने n 1 पुट किया, तो आंसर आपके पास जीरो आ रहा है। याद रखना जीरो इज डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि वो तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी ना। जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, फॉर एग्जाम्पल 2 से आंसर जीरो आता है। डिविजिबल होने का मतलब ये होता है कि आपके पास आंसर पॉइंट में ना आए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं 10 इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि मुझे पता है 10 अपॉन 2 5 होता है। 15 इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि मुझे पता है 15 अपॉन 3 5 होता है। 10 इज डिविजिबल बाई 3 नहीं, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 3 जो है वो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा, तो उसको फिर आप ये नहीं बोलोगे कि 10 इज डिविजिबल बाई 3। तो डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कंप्लीट डिवाइड होना, मतलब कोई रिमाइंडर ना बचना, या सिंपल लैंग्वेज में पॉइंट में आपका आंसर ना आ रहा हो, ठीक है, फ्रैक्शन में कोई आंसर ना आ रहा हो, तो अब फिर आप बोलोगे डिविजिबल है। तो जीरो इज डिविजिबल बाई एनी नंबर, आंसर जीरो होता है, कोई पॉइंट में आंसर नहीं आता आपके पास, तो दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि जीरो इज डिविजिबल बाई एनी नंबर। तो होना ही चाहिए था कि एन की वैल्यू 1 जब आप पुट करो तो वो नंबर आए जो डिविजिबल हो 49 से, और एग्जैक्टली यही हुआ है। जब आपने एन की वैल्यू 1 पुट किया तो वो नंबर आया जो डिविजिबल है 49 के। तो पहली चीज तो ठीक होगी है कि गिवन जो प्रोपोजिशन है इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पे तो आपकी प्रोपोजिशन ठीक है, बेस केस आपका ठीक हो गया। अब बारी आई है किसकी, इंडक्टिव केस की। तो आप क्या करो, एज्यूम जो प्रोपोजिशन है इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, दैट इज क्या मतलब हुआ कि आप एज्यूम करो कि आपकी स्टेटमेंट n इक्वल टू k पे ठीक है, मतलब 2 की पावर 3 k प्लस 2 माइनस 28 k प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 49। आपने n की जगह जस्ट ये माइनस 4 है, n की जगह जस्ट आपने क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया, और ये आपने एज्यूम किया है कि ये जो पूरी चीज है ये डिविजिबल है 49 के। तो अगर ये चीज आपने एज्यूम कर ली कि ट्रू है, तो अब आप क्या करते हो, एज्यूम करने के बाद आप फिर प्रूफ करते हो कि n इक्वल टू के प्लस 1 पे भी ये एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 49 होनी चाहिए। और अगर ये n इक्वल टू के प्लस 1 पे डिविजिबल बाय 49 हो गई, तो फिर आप ये बोलोगे कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ठीक है, ये हर n की वैल्यू पे कोई भी n की नेचुरल वैल्यू उस पे ये डिविजिबल होगी 49 के। तो अब आप क्या करो, अब थोड़ा ये इजी है एज कंपेयर टू जो मैथमेटिकल इंडक्शन वाले सवाल थे ना शुरू में जो आपने पढ़े थे, जिसमें आपके पास कोई फॉर्मूला लिखा होता था, कोई सीरीज लिखी होती थी, उससे इजी है ये। क्यों, क्योंकि इसमें सिंपल आप n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो फॉर n सॉरी n की वैल्यू k प्लस 1 पुट कर दो, तो फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, अब आप चेक करने लगे हो n इक्वल टू k प्लस 1 पे, तो जो गिवन प्रोपोजिशन है उसमें n की वैल्यू k प्लस 1 पुट कर दो, ठीक है, माइनस 28 एन की जगह पे के प्लस 1 पुट कर दिया माइनस 4। अब आपने प्रूफ करना है कि ये जो प्रोपोजिशन आपके सामने है इसमें एन की जगह मैंने के प्लस 1 पुट किया है, ये अभी भी डिविजिबल है किससे, 49 से। अब ये कैसे प्रूफ करोगे देख लेते हैं। तो ये चीज हो जाएगी 2 3 के 3 1 जा 3 3 प्लस 2 5 होता है, ये हो जाएगा माइनस 28 के, माइनस 28 को 1 से करो माइनस 28, माइनस 28 और माइनस 4 माइनस 32, ठीक है। अब सवाल है कि इसके बाद हम क्या करेंगे, याद रखो बच्चों जब भी आप n इक्वल टू के प्लस 1 की वर्किंग करोगे इन टाइप के सवालों में, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो आपने हाइपोथेसिस कंसीडर किया था ना एग्जैक्ट ये किसी तरह यहां पे आ जाए, कुछ कॉमन लो, कुछ ऐड करो, कुछ सब्ट्रैक्ट करो, ये एग्जैक्ट फॉर्म आपकी यहां पे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ये आपको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप ये जहन में रख लो कि एग्जैक्ट ये जो तीन टर्म्स आपके पास लिखी हुई हैं ये आपको यहां पे चाहिए, मतलब n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करने के बाद ये तीन टर्म आपको यहां पे चाहिए, एंड बाय हुक एंड क्रुक आपने लानी है किसी तरह। अब किस तरह आप लाओगे, अगर तो आपको एग्जैक्ट टर्म नजर आ रही हैं तो फिर तो मसला आपका हल हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, जैसे आपने देख लो तीनों टर्म एग्जैक्ट नहीं है, कोई एक टर्म बेशक एग्जैक्ट हो मैटर नहीं करता, तीनों टर्म एक साथ चाहिए ना आपको, तो आप क्या करोगे उसके लिए। सबसे पहले जो पावर वाली टर्म होगी ना, जो k वाली टर्म है, इसके साथ हम थोड़ी छेड़खानी करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 3k प्लस 2, जबकि यहां पे लिखा हुआ है 3k प्लस 5, मतलब जो पावर में 3 जो है वो एक्स्ट्रा है, यहां पे 2 था यहां पे 5 है, 3 एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 3 को अलग करो, 3 को अलग किस तरह करोगे, ये प्लस 2 रहने दो, इसका जो 3 है वो अलग करके आप इस तरह लिख दो। आपको पता है जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, यहां पे 2 की पावर 3k प्लस 2 है, यहां पे 2 की पावर क्यूब है, बेसिस सेम होंगी, दोबारा 3k प्लस 2 प्लस 3 दोबारा 5 आ जाएगा, तो टेक्निकल तौर पर कुछ नहीं आपने चेंजिंग की यहां पर।
ये -28 के फिलहाल अपनी जगह पे रहने दो -32। अब जो भी इस वाले टर्म के साथ लिखा हुआ है उसको आपने कॉमन लेना है, तो मतलब 2 की पावर क्यूब को आपने कॉमन लेना है। जब इस चीज को कॉमन लोगे तभी ये वाली टर्म बचेगी ना, और ये से मैच कर रही होगी, क्योंकि आपको ये वाली टर्म चाहिए इसके साथ, कुछ और नहीं चाहिए आपको, इसके साथ जो भी लिखा हो कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बात इसके साथ अभी क्या लिखा हुआ है, इसके साथ अभी 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप 8 इस वाली टर्म से कॉमन ले लोगे, तो आपके पास एग्जैक्ट ये वाली टर्म बन रही होगी, तो पहली टर्म तो मैच कर जाएगी। लेकिन ये जो -20, अब एक टर्म से 8 थोड़ा ना कॉमन लोगे, आपको सब टर्म से कॉमन लेना पड़ेगा। ये जो 28 है इससे आप 8 कॉमन ही ले सकते हैं, क्योंकि 8 के टेबल में थोड़ी ना आता। अब जो स्टेप है जरा गौर करना, k का बताऊंगा, कांस्टेंट का बताऊंगा किस तरीके से आपने करना है। देखो क्या मैंने बात बोली है कि आपको एग्जैक्टली 3 टर्म चाहिए। अभी 3 टर्म कैसे आएंगी, इस वाली टर्म से तो आप 8 कॉमन ले लोगे, तो पहली टर्म तो मैच कर जाएगी इससे। लेकिन आप पहली टर्म से कॉमन लोगे ना, आपको इन तीनों में से 8 कॉमन लेना है इस तरीके से कि पहली टर्म ये हो, दूसरी टर्म -28 के हो, तीसरी टर्म -4 हो। आपको पता है अभी आप अगर -28 से 8 कॉमन लोगे तो आएगा ही नहीं, 28 के टेबल में 28 तो नहीं आता ना, 8 3 24 होगा या 8 4 32 होगा। तो इसका मतलब आप 28 में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, और कॉमन लेने के बाद भी क्या होना चाहिए, -28 मतलब एग्जैक्टली 3 टर्म आनी चाहिए। ठीक है, ये बस ध्यान में रखो। अभी 3 टर्म कैसे लाओगे, के लिए मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं क्या करोगे। आपको यहां पर बेसिकली चाहिए क्या, आपको ये चाहिए। अच्छा, मुझे कैसे पता चला ये मुझे चाहिए, सबसे पहली बात मुझे इस वाली टर्म से 8 कॉमन लेना होगा, तो 8 तो मुझे चाहिए। कॉमन लेने के बाद पीछे बचना क्या चाहिए, -28 के, क्योंकि पहली टर्म तो कॉमन लेने के बाद आ जाएगी ना, जब मैं 8 कॉमन लूंगा तो पहली टर्म तो मैच कर गई। दूसरी टर्म मैच कैसे होगी कि जब मैं इससे 8 कॉमन लू तो क्या आना चाहिए, -28 के। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने 8 के साथ 28 के लिख दिया कि जब मैं इसे 8 कॉमन लूंगा तो -28 के आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये कि मैंने अपनी तरफ से -8 28 के लिख दिया, तो मुझे तो कंपनसेट भी करना पड़ेगा। अगर मैंने अपनी तरफ से माइनस कुछ किया है तो मुझे अपनी तरफ से ऐड भी करना पड़ेगा। तो जो अपनी तरफ से मैंने स्टेटमेंट लिखी थी -8 28 के, तो मुझे कंपनसेट करने के लिए प्लस का 8 28 के भी लिखना पड़ा। ठीक है, तो ये तो मैंने दोनों काम अपनी तरफ से किए। ये जो बेचारा -28 के पहले मौजूद था इसको साइड पे कर दूं, मतलब मैंने किया क्या, मुझे ये टर्म चाहिए थी, मैंने अपनी तरफ से टर्म लिख दी, कंपनसेट करने के लिए मैंने ये वाली टर्म लिख दी, जबकि ये जो -28 के है इसको भी तो कंसीडर करना है ना, इसको मैंने साइड पे कर दिया। ठीक है, तो टेक्निकल तौर पर ये वाली टर्म साइड पे, ये दोनों टर्म जो है मैंने अपनी तरफ से लिख दी, और ये हर सवाल में कर लोगे आप इस चीज को देखो। तो अब जब मैं शुरू की 2 टर्म से 8 कॉमन लूंगा, तो ये टर्म पहली वाली टर्म से मैच कर रही है, जब मैं इसे 8 कॉमन लूंगा तो -28 के इससे मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा कांस्टेंट पे आते हैं। आपको कुछ ऐसा कांस्टेंट चाहिए जिससे जब मैं 8 कॉमन लू तो क्या आए मेरे पास, -4 है। तो आप देखो क्या, अच्छा ऐसी कोई टर्म जिससे जब मैं 8 कॉमन लू तो पीछे 4 बचे, तो वो क्या होगी, -32। भाई -32 से जब मैं 8 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, -4। तो मुझे कांस्टेंट यहां पे क्या चाहिए, -32, क्योंकि -32 से जब मैं 8 कॉमन लूंगा तो पीछे क्या बचेगा, 4 बचेगा। फॉर्चुनेटली -32 ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, तो मुझे कांस्टेंट के साथ कोई छेड़खानी करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जिसमें मैं कांस्टेंट के साथ छेड़खानी कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे भी सवाल होंगे, लेकिन अभी सवाल में तो कोई इशू नहीं है। मुझे ऐसा कांस्टेंट चाहिए था जिससे मैं 8 कॉमन लूं 4 बचे, और वही मेरे पास मौजूद है 32 में से जब मैं 8 कॉमन लूंगा 4 बचेगा। इन शॉर्ट 32 को आप इस तरह भी लिख सकते हो ना, 8 × 4, तो जब आप 8 कॉमन लोगे तो पीछे 4 बच जाएगा, और मुझे 4 ही चाहिए था। ये 3 काम है जो आपको सवाल में करना, जो स्टूडेंट को मुश्किल लगते हैं, मैंने एक एक एक्सपेंड करके आपको बताया। अब वक्त आ गया 8 कॉमन लो आप, मैंने 8 कॉमन ले लिया, तो आपके पास आया 2 3k + 2, यहां से 8 कॉमन लो -28 के, यहां से 8 कॉमन लो -4। इनको सिंप्लीफाई करो, 8 28 के और -28 के, ये हो जाएगा 7 28 के। ये प्लस 8 के साथ है या -1 के साथ है, 8 − 1 = 7 होता है, मैंने लिख दिया। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों इसको, ये हो जाएगा 8 2 3k + 2 -28 के -4, और 28 को 7 को 28 से कर लेते हैं ना, 70 140 और 56 196, तो ये हो जाएगा 196 के। जब यहां तक आप आ जाओ, यहां तक का मतलब क्या है कि आपके पास जो k वाली प्रोपोजिशन है एग्जैक्टली वो आ रही है, उसके साथ बेशक कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, वी डोंट केयर, हमें को मसला नहीं है उससे। इनके साथ एक टर्म होगी जो k वाली होगी, k के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा,
जब आप इस मकाम पे आ जाओ ना कि आपको दो टर्म मिल जाए, आपका सवाल हो गया। बस अब आपने रिजल्ट लिखना है, और रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे, वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट आपको बताना है कि मैं यहां पे रुका क्यों हूं, करना क्या था मुझे, मुझे प्रूफ करना था कि n इक्वल टू k प्लस 1 पे प्रोपोजिशन जो है वो डिविजिबल है 49 से। तो क्या ये प्रोपोजिशन अभी 49 से डिविजिबल है, यही तो मुझे बताना है। मैं ये कहता हूं ये 49 से डिविजिबल है, तो आप ये कहोगे कैसे, तो वो कैसे आपने लिखना है, वो इस तरीके से कि वी नो दैट बाई अवर हाइपोथिसिस, या आप लिख दो बाय अवर अजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि ये पूरी चीज जो है ये डिविजिबल है 49 के, तो एग्जैक्टली वही चीज तो है, तो जो हमने एज्यूम किया था कि डिविजिबल है, तो ये जो अंदर ब्रैकेट के लिखा हुआ है ये तो डिविजिबल है 49 से। याद रखना जब कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है ना, अगर मैं उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 4 इज डिविजिबल बाय 2, 4 इज 2 का मतलब 4 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो अगर मैं 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एग्जाम्पल 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या अब ये डिविजिबल है, अभी भी ये डिविजिबल है 2 से, भाई 2 4 का क्या होता है 8, 8 2 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरह मैं अगर आपको बोलता हूं कि 49 इज डिविजिबल बाय 7, तो 49 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो वो भी डिविजिबल होगा 7 से। फॉर एग्जाम्पल 49 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 49 को 4 से मल्टीप्लाई करो 196 आता है, 196 भी डिविजिबल होगा 7 से, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 196 को 7 से डिविजिबल देख लेना करेगा 7, कितने टाइम जाएगा 228 टाइम जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी हुई है ये अगर डिविजिबल है 49 से, तो अगर इसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी इंटीजर से बोल दो आप, या किसी नेचुरल नंबर से बोल दो, इंटीजर अच्छा वर्ड है, किसी फ्रैक्शन से नहीं करते ना, किसी इंटीजर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाय अवर हाइपोथेसिस, बाय अवर अजम्पशन के जो 8 2 3 के प्लस 2 माइनस 28 के माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 49, ठीक है। तो पहली टर्म के बारे में आपने बता दिया, प्लस दूसरी टर्म है 196 के, एंड ऑब्वियसली ये बुक की वर्डिंग है सारी, ऑब्वियसली 196 के इज डिविजिबल बाय 49। अब ये ऑब्वियसली क्यों लिखा गया है भाई, यहां पे जो k है क्या चीज है, वो k कोई भी नेचुरल होगा, नेचुरल नंबर होगा ना, फॉर एग्जाम्पल k 2 होगा 3 होगा। आप ये देखो 196 क्या 49 से डिविजिबल है, भाई बिल्कुल है, 49 4 का 196 होता है, तो 196 तो डिविजिबल है 49 से। मैंने अभी बताया था जब कोई नंबर किसी से डिविजिबल हो उस नंबर को आप किसी भी k से मल्टीप्लाई कर दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस कोई नेचुरल नंबर इंटीजर होना चाहिए। तो 196 49 से डिविजिबल है, मैं 196 को किसी भी k से मल्टीप्लाई कर दूं वो अब भी डिविजिबल रहेगा 49 से, ठीक है। तो ऑब्वियसली 196 k इज आल्सो डिविजिबल बाय 49, देयरफॉर सो आवर प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो एंड पे लिख देना हेंस प्रोपोजिशन n इज डिविजिबल बाय 49, और आगे लिख देना फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचर नंबर, कि जो हमारी प्रोपोजिशन थी ये डिविजिबल है 49 से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचर नंबर, आप कुछ भी n की जगह नेचुरल कोट कर दो हमारी प्रोपोजिशन जो है वो डिविजिबल रहेगी 49 से। pn की जगह आप ये प्रोपोजिशन भी कोई लिख सकते हो यहां पे चाहो तो, कोई इशू नहीं है। तो ये वो वर्डिंग है जो मैंडेटरी है, मैंने एक बुक से कॉपी नहीं की, बस अपनी तरफ से जो आपको बताया ना वो बता दिए मैंने, वो दो लाइन लिखना उसके बाद एंड पे लिख देना कि भाई n इक्वल टू k प्लस 1 पे जब प्रूव होगी है तो सब पे प्रूव हो जाएगी वो। ये पूरा सवाल है पेपर में, एग्जैक्टली आपने ही लिखना अगर सवाल आएगा, पूरे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। अब मैं नेक्स्ट सवालों में क्या करवाऊंगा, ये वाली वर्किंग k प्लस 1 वाली वर्किंग, मतलब k प्लस 1 के बाद ये सर ट्विस्ट है ना, तो ये वाली वर्किंग जो है मैं हर सवाल की आपको करवाऊंगा। शुरू की वर्किंग आप लोग खुद देख लेना, कोई मसला नहीं है, बहुत बच्चों वाली वर्किंग है, ये सब आप आसानी से कर लोगे। असल मसला यहां पे आता है कि चेंजिंग आपने किस तरीके से करना है, तो बाकी सवालों में मैं आपको ये करवा देता हूं।